पियर पक्ष की बिना मौजूदगी में लड़की का पोस्टमार्टम कर किया अंतिम संस्कार। पियर पक्ष ने किया विरोध, एसपी को सौंपा ज्ञापन। बाड़मेर, पूरी देवी पत्नी रावताराम जाति जोगी उम्र 45 साल निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर बताया कि आज से 13 वर्ष पूर्व मेरी बेटी पूजा की शादी हिंदू रीति रिवाज से शैतान राम पुत्र दांदूराम जाति जोगी निवासी गागरिया के साथ हुई थी। हमारी हैसियत के अनुसार मैंने दहेज दिया था जिसमें सोना और चांदी के गहने भी दिए थे। परिजनों ने बताया कि दो दिन पूर्व मेरे बेटी के ससुराल से फोन आया कि आपकी बेटी टाके में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। पियर पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी बेटी की हमें सूचना तक नहीं मिली, बिना हमारी मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया। इसकी कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश। कहाँ से आए हो आप? मैं जोधपुर से। यहाँ कैसे आए? बाड़मेर। मेरे भतीजी है, माताराम जी लड़की है। हाँ। उनको पिताजी और है नहीं, उनके काके बाबू को पीछे है नहीं, सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ। मैं भी यहाँ से सबसे परिवार को मैं छोड़ के वहाँ रहता हूँ। मैं जोधपुर में धंधा कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। हाँ। इसलिए मैं वहाँ था, मेरे को खबर मिली और गागरिया में जो लड़की मेरी भतीजी उसको मार कर और टाके के अंदर गिरा दिया। फिर हमारे को कुछ मतलब उन्हें बात करी नहीं, ना मेरे को बुलाया कि अगर तुम आप यहाँ हो कि ये काम हो गया। मेरे को कुछ पता ही नहीं। हाँ। उसके ऊपर पुलिस वाले ने केस बाद में उठो काम हो गए और पुलिस वाले ला और लाश ले आया अटैच कर कार को आप काम ले जान दाग दे दियो। हाँ। ठीक है, अब मैं आया एसपी साहब ने। हाँ। और रिपोर्ट देवाने ये काम जल्दी जल्दी मारो, होना जरूरी है। हाँ। अगर नहीं वाला तो आगे मैं आगे कार्रवाई करी जाऊँ। छोरी टोंके में गिर गिरी, टोंके में साउंड मार रहा दी छेड़ दुख और छोरी पे चल तो थाने इतला पुलिस करी। कोई पुलिस वाले इतला नहीं है साहब। थे पीर पक्ष वाला हो? मैं पीर पक्ष वाला। हाँ। ठीक है, हमारे कोई सुनवाई है नहीं। हाँ। उनके आगे पीछे छोटे कोई है, कोई माँ है लाण छोटे छोटे छोट बच्चा पाले है, उन्हें कोई लारे आगे है नहीं। सिर्फ मैं हूँ जो मैं रहूँ बाहर जोधपुर में और जोधपुर अबार मैं बात आता आयो।